दोस्तों जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तब हमें अलग अलग जंतुओं की प्रॉब्लम आती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग जंतु हमें हमारे फसल को नुकसान करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये समय में हमें जंतुओं से फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा तरीका चाहिए जो हमारे फसल को प्रोटेक्ट करे। तो उसके लिए सुभाष पालेकर जी ने एक दसपर्णी अर्क की विधि हमें बताई है, तो वो विधि के बारे में इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दसपर्णी अर्क क्या है। दोस्तों दसपर्णी अर्क एक ऐसा अर्क है जो 100% नेचुरल तरीके से तैयार किया जाता है, और ये अर्क से फसल के ऊपर आने वाले रस चूसक कीड़े और सभी प्रकार की इल्लियों को रोकने का काम करता है, उसको मारता नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि ये 100% नेचुरल और अहिंसक तरीका है हमारी फसल के ऊपर आने वाले सभी कीड़ों को रोकने का। नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूँ आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम दसपर्णी अर्क बनाने की विधि के बारे में समझेंगे, उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है उसके बारे में समझेंगे, उसको बनाने के लिए कितने समय लगता है, कैसे बनाना है, बनाने के वक्त कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, और बन गया इसके बाद उपयोग कैसे करना है, उपयोग करने के लिए कितना प्रमाण से उपयोग करना है, कौन सी फसलों के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम समझेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखने के बाद आप बराबर समझने की कोशिश करें। और दोस्तों आप अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं हैं तो हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाली घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों दसपर्णी अर्क हम बनाए उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो बना रहे हैं दसपर्णी अर्क उसका उपयोग करेंगे तो उसके उपयोग से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो बनाने से पहले हम उसके बेनिफिट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा अर्क है, आप ऐसा समझिए कि हमारी फसल के ऊपर आने वाले जो रस चूसक कीड़े हैं और इलिया है उसको कंट्रोल करने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमने सुभाष पालेकर जी ने बताया है, वही फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, वो पूरा प्रैक्टिकल बना के आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों ये आपकी फसल के ऊपर आने वाले सभी रस चूसे कीड़े और इलियों को कंट्रोल करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे। अगर आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो बेस्ट है, नहीं कर रहे फिर भी आपकी फसल को तो नुकसान करने वाले रस चूसे कीड़े और इलिया आती है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करने वाले है, ये सबसे बड़ा दसपर्णी अर्क का बेनिफिट है। तो चलिए दोस्तों इस विधि को प्रैक्टिकली कैसे बनाना है वो समझना शुरू करते हैं। दोस्तों दसपर्णी अर्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें 200 लीटर का बैरल चाहिए जो साफ़ सुथरा होना चाहिए, और उस बैरल को हम क्या करेंगे कि जहाँ पर डायरेक्ट धूप न गिरे और बारिश का पानी न गिरे ऐसी जगह को सिलेक्ट करके वहाँ पर रख देंगे, और वो बैरल के अंदर 100 लीटर हमें पानी डालना है, शुद्ध पानी चाहिए, क्लोरीन वाला पानी नहीं चलेगा, और उसके अंदर 20 लीटर गौमूत्र और 2 केजी गाय का ताज़ा गोबर, ये दोनों देसी गाय का होना चाहिए, ये दोनों को हम बराबर हाथों से रगड़ रगड़ के एकदम उसको प्योरी बना देंगे, एकदम स्लरी बना देंगे, ऐसा रगड़ रगड़ के तैयार करके ये गौमूत्र और गोबर को हमें ये 100 लीटर पानी के साथ मिक्स करना है। तो आप जो देख रहे हो वीडियो में उस हिसाब से आप पूरा उस गौमूत्र और गोबर की स्लरी बना दीजिए, और ये जो स्लरी है ये स्लरी इसलिए बना रहे हैं कि ज़्यादा पानी में एक साथ में हम गोबर डाल देंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, इसलिए ये स्लरी बना के हमें 100 लीटर में डालना है। ये स्लरी हम इसके अंदर डाल देते हैं, और अभी बचा हुआ जो गौमूत्र है वो गौमूत्र को भी हम ये 100 लीटर के अंदर डाल देंगे। ये डालने के बाद हमें एक अच्छा 6-7 फीट का लकड़ी का डंडा लेना है और उसको बराबर घुमा के मिक्स कर देना है, बराबर हिलाना है इसको, और ये हिलाने वक्त ध्यान रखिए कि जो घड़ियाल का कांटा घूमता है उसी दिशा में इसको हमें हिलाना है, और बराबर मिक्स कर देने के बाद हमें 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है, और इसके ऊपर आप
ऐसे ढंग के भी रख सकते हो, या जूट का बोरा है उससे भी पैक करके रख सकते हो, और या साड़ी का कपड़ा है उससे भी बांध कर रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर बाहर के कोई जंतु गिरने नहीं चाहिए, इसके लिए हमें बांध के रखना है। अभी 2 घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर कैसा द्रावण तैयार हुआ है। ये देखिए, ये चीज़ें डालने के बाद ऐसा द्रावण आपको दिखेगा। अभी इसके अंदर हम ये 3 चीज़ डालेंगे, हल्दी का पाउडर 500 ग्राम, सबसे पहले हम बकेट में थोड़ा पानी ले लेंगे और उसके अंदर ये पाउडर हल्का हल्का डाल के बाहर उड़े नहीं उस तरह से हम इसको साथ मिक्स करेंगे, और इसके बाद हींग है 10 ग्राम, उसको ले लेंगे, और तीसरा है कि अदरक का चटनी जो पत्थर से लपेटा हुआ है, आप देख रहे हो उसका क्वालिटी कैसा होता है, और ये सभी चीज़ें एक बकेट में हल्का सा पानी लेके उसके अंदर हम बराबर हाथ से उसको मिक्स कर देंगे। ये बराबर मिक्स करने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर इसको डायरेक्ट हम डाल देंगे बैरल के अंदर तो वो बराबर मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा पानी लेके उसको बकेट में ही बराबर मिक्स करके इसके बाद ही ये पूरा द्रावण है हम 100 लीटर द्रावण के अंदर ऐड करेंगे। ये सारा इस बैरल के अंदर डालने के बाद लकड़ी से हम उसको पूरा प्रॉपर तरीके से घुमा के मिक्स कर देंगे, और जब लकड़ी से हम घुमाएं तो ध्यान रखें जैसे घड़ियाल का कांटा घूमता है उसी दिशा में हमें घुमाना है, उसकी उल्टी दिशा में नहीं घुमाना है। आप देख रहे हो पूरा ये घुमा के उसके साथ मिक्स कर देंगे। अभी जैसे ये पूरा मिक्स हो जाएंगे उसको फिर से उसके ऊपर ढंक के एक रात के लिए हमें इसको छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। अभी ऐसे भी आप ढंक सकते हो, ढंकने का मतलब इतना ही है कि बाहर से कोई जंतु इसके अंदर गिरने नहीं चाहिए। दोस्तों दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और हम उसको देखें कैसा द्रावण तैयार हुआ है। एक रात में पूरा फर्मेंटेशन होके आप देखिए उसके ऊपर कैसे बबुल तैयार हो चुके हैं, और पूरा फर्मेंटेशन होके एक बढ़िया सा द्रावण तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त दिख रहा है आपको, आप देखिए। अभी दूसरा दिन में क्या क्या चीज़ें डालना है उसकी तैयारी के रूप में आपको सभी चीज़ें पहले से तैयार करके रख देनी है। आप देखिए ये पूरा द्रावण एक ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, इसको हम पहले इसको हिला के मिक्स कर देंगे, और इसके बाद दूसरे दिन में जो जो चीज़ें डालनी है वो सभी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हरी तीखी मिर्च की ज़रूरत पड़ेगी, उसको भी हमें पत्थर से खांड के तैयार करना है, आप देखिए। और दूसरा है देसी लहसुन, उसको भी हमने तैयार किया है पत्थर से खांड के, आपको दिख रहा है ये लहसुन। और तीसरा है 1 kg तम्बाकू का पाउडर, ये आपको दिख रहा है तम्बाकू का पाउडर। ये 3 चीज़ें हम इस घोल के अंदर ऐड कर देंगे। ये 10 पर्णी अर्क बनाने का दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में ये 3 चीज़ों का उपयोग करना है। हरा तीखा मिर्च का चटनी डालना है, धीरे धीरे उसको घुमाते रहना है और इसको अंदर मिक्स करते जाना है। ये हरा मिर्च हमने डाल दिया है, उसकी चटनी बनाई थी हमने, और अभी दूसरा ले लेंगे देसी लाल लहसुन। तो ये देसी लाल लहसुन की उसके पत्तों के साथ चटनी बनाई है हमने, उसको भी इसके अंदर हमने ऐड कर दिया। और तीसरी चीज़ तम्बाकू का पाउडर 1 kg, उसको भी हम ले लेंगे, उसको हल्का हल्का सा डालना है। अगर एकदम फास्ट उसके अंदर डाल दिया तो उसका जो बारीक पाउडर बाहर निकलेगा वो आपके नाक के अंदर चला जाएगा और आपको छींक आना चालू हो जाएगी, तो आप हल्का सा उसको धीरे धीरे डालते जाइए और लकड़ी से बराबर उसको घुमाते जाइए, तो क्या है कि बराबर उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे डालते जाना है और पूरा गोल है उसको घुमाते रहना है।
दोस्तों ये हम दशपर्णी अर्क बना रहे हैं, आज दूसरा दिन है उसका। और ये तीन चीज़ें बराबर डालने के बाद इसको बराबर घड़ियाल का जैसे कांटा घूमता है ऐसे घुमाने के बाद हम इसको फिर से ढंक देंगे जूट की बोरी या कपड़े से, या ऐसे ढंक देंगे। इसके अंदर कोई जंतु गिरना नहीं चाहिए। तो ये हमारा दूसरा दिन समाप्त हुआ। दोस्तों तीसरे दिन सुबह में हम आ चुके हैं और अभी ओपन करते हैं ये दशपर्णी अर्क का जो गोल बनाने के लिए रखा है उसको। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ दो दिन का ये गोल इस बैरल के अंदर तैयार हो रहा है। और कल हमने सारी चीज़ें इसके अंदर डाली, तीन चीज़ें, तीखा मिर्च की चटनी, देसी लहसुन की चटनी और तंबाकू पाउडर। और ये फर्मेंटेड होके कैसा दिख रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसको मैं धीरे धीरे घुमाता हूँ, मिक्स करवाता हूँ, आप देखिए। ये दो दिन का प्रोसेस था, अभी तीसरा दिन आज शुरू हो चुका है। तो आज हमें 10 अलग अलग वनस्पति के पत्ते इसके अंदर मिक्स करने हैं। ये 10 अलग अलग वनस्पति के पत्ते का हम दो हिस्सा बना देंगे, 5 + 5। तो दोस्तों इसके अंदर जो पहले 5 पत्ते हम मिक्स करेंगे वो फर्जियत डालना है उस, जिसके लिए ये नीम के पत्ते हैं 2 kg लेना है, दूसरा है करंज के पत्ते 2 kg लेना है, तीसरा है रंडी के पत्ते 2 kg लेना है, चौथा है सीताफल के पत्ते 2 kg लेना है, और पांचवा है धतूरा के पत्ते, इसको भी 2 kg लेना है। ये सभी हमें फर्जियात डालना है, इसमें से कोई कमी नहीं रखनी है। सभी के 2-2 kg पत्ते हमने ले लिए, आपको हम दिखा रहे हैं। और 1 by 1 इसको भी हम इस गोल के अंदर डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसको मिक्स करते जाएंगे। ये नीम के पत्ते 2 kg हम इस गोल के अंदर डाल रहे हैं, आप देखिए। इस तरीके से आपको भी दशपर्णी अर्क बनाना है तो यही सिस्टम से आप बनाओ। और ये जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप चीज़ों का ध्यान रखो। ये दशपर्णी अर्क बढ़िया क्वालिटी का आप भी बना सकते हो। अभी दूसरा ले लेते हैं करंज के पत्ते, धीरे धीरे इसके अंदर डालते जाएंगे, बाहर ना गिरे वो ध्यान रखें, सभी पत्ते अंदर ही गिरने चाहिए। ये करंज के पत्ते हमने इसके अंदर डाल दिए, 2-2 kg की मात्रा में ये सभी पत्ते हमने ले लिए और धीरे धीरे हम डाल रहे हैं। अभी तीसरा नंबर है अरंडी के पत्ते। ये पत्ते की साइज बड़ी है तो हम क्या करेंगे उसको कटिंग करके छोटी साइज कर देंगे। छोटी साइज इसलिए करनी है कि फिर ये पूरा गोल हम घुमाएंगे तो वो बराबर हम घुमा सके। चौथे नंबर पे हम सीताफल के पत्ते ले लेंगे, 2 kg ये सीताफल के पत्ते। दशपर्णी अर्क के लिए जो हमें अलग अलग 10 पत्तों, अलग अलग 10 वनस्पतियों के पत्ते चाहिए, उसमें से 5 फर्जियात जो पत्ते लेने हैं वो हम अभी इस गोल के अंदर डाल रहे हैं। पांचवा है धतूरा के पत्ते, ये 5 पत्ते हमने इसके अंदर डाल दिए जो फर्जियत हमें डालना है। इसके अंदर दूसरा जो हमें 5 अलग अलग वनस्पति के पत्ते डालने हैं उसमें से मैंने बहुत सारा कलेक्शन करके रखा है, उसमें से कुछ कुछ है जो सबसे पहले मैं इसमें बेल पत्र ले लेता हूँ, 2 kg बेल पत्र के पत्ते। और इसके बाद मैं तुलसी का पंचांग ले लेता हूँ जिसके अंदर उसके पत्ते आ गए, ब्रांचिस आ गए, फूल आ गए, फल आ गए, सब इसमें आ गए, तुलसी के बीज भी इसके साथ आ गए, तुलसी का पंचांग जिसको बोल सकते हैं हम। और इसके बाद तीसरा है सहजना के पत्ते, इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। आप ऐसे पत्ते ऐड करते जाओ और लकड़ी से दबा दबा के इसके साथ मिक्स करते जाओ। और 4 नंबर में इसके अंदर मैं आम के पत्ते ले लेता हूँ। आम के पत्ते की साइज थोड़ी बड़ी है तो उसका कटिंग करके भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हो। और 5वें नंबर पे मैं अमरूद के पत्ते ले लेता हूँ इसके साथ मिक्स करने के लिए।
छठे नंबर पे मैं आंक के पत्ते ले लेता हूँ 2 केजी। ये सभी पत्ते हमें 2-2 केजी लेना है इस 10 पर्णी अर्क बनाने के लिए। और इसके बाद करण के पत्ते ले लेता हूँ 2 केजी, जो पीला फूल आता है इसके अंदर, और इसको हमें 2 केजी मिक्स करना है। दोस्तों मैंने ये 7 इसके अंदर ऐड किए, और भी बहुत सारे हैं जो पत्ते इसमें से आपको नहीं मिलते हैं तो और भी मैं आपको बता रहा हूँ पूरा लिस्ट। आप गेंदे के पत्ते भी ले सकते हो, पपीता के पत्ते भी ले सकते हो, हल्दी के पत्ते भी ले सकते हो, अदरक के पत्ते भी ले सकते हो, करेला का पत्ते है, देसी बेर के पत्ते, देसी बबूल के पत्ते, लाल जासूद के पत्ते, चकुंद के पत्ते जिसको गुजराती में उसको कुआड़िया भी बोलते हैं, और निर्गुंडी के भी पत्ते इसके अंदर आप ले सकते हो। ये सभी पत्ते 2-2 केजी आप ले सकते हो, और ये सभी जो मैंने बताया उसमें से आपको 5 सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये सभी पत्ते डालने के बाद इसको बराबर मिक्स करना है, और जितना भी बैरल में जगह बचा है उस हिसाब से हम इसके अंदर पानी डाल के पूरा भर देंगे, और बराबर इस घोल को हम मिक्स करके घुमा देंगे। तो ये हुआ हमारा 3रा दिन का इनपुट 10 पर्णी अर्क बनाने के लिए। तो ऐसे पूरा घोल तैयार करके मिक्स कर देना है, और इसके बाद हम ऊपर से इसको डंक देंगे। आप इसको साड़ी के कपड़े से बांध सकते हो, और जूट के बोरे से भी इसको बांध सकते हो, और या फिर ऐसे इसको डंक के रख सकते हो। ये हुआ हमारा 3रा दिन का कार्यक्रम, जो अलग अलग पत्ते हमें डालने हैं, 10 टाइप के अलग अलग पत्ते। मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिकली आपको करके दिखाई है। तो अब से 50 दिन तक हर रोज़ सुबह शाम 1-1 मिनट इस गोल को हमें घुमाते रहना है, ताकि अंदर वाला जो पत्ते हैं सब सब टाइप के मटेरियल जो हमने डाला है वो सब पानी के साथ घुलते रहे और बराबर मिक्स होते रहे। और 50 दिन के बाद हमारा ये 10 पर्णी अर्क तैयार होगा। अब हम देखते हैं, 50 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं तैयार करने के। तो 50 दिन के बाद पूरा जो मटेरियल हमने डाला है वो घुल के कैसा तैयार हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, 50 दिन तक हमने सुबह शाम इस गोल को पूरा घुमा के 1-1 मिनट तक हर रोज़ सुबह शाम घुमाया है इस तरीके से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी हमारा 10 पर्णी अर्क का गोल तैयार हो चुका है, और इस गोल को हम अभी छानने वाले हैं। तो इसके लिए हमने बगल में दूसरा बैरल रख दिया है छानने के लिए, और छानने के लिए हमने एक देसी जुगाड़ बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, 3 स्टील के रोड लिए, उसके बगल में ऐसा एक शंकु आकार का उसका डिज़ाइन तैयार किया है, और उसके बगल में जो साड़ी का कपड़ा रहता है उसको पूरा सिल लिया है, और ऐसा एक पूरा पात्र तैयार हो गया है। अभी हम इसको ये बगल वाली टंकी है उसमें सीधा रख देंगे। ये सीधा रखने के बाद इसके अंदर हम अंदर वाले हिस्से में जो तैयार हुआ है 10 पर्णी अर्क उसको हम डालेंगे, तो वो पूरा छानने के बाद ही इसके अंदर नए बैरल में चला जाएगा। सभी कचरा है वो इसके बीच में रह जाएगा। ये हमने बनाया है, आप जो बना रहे हो तो आपके हिसाब से भी आप कोई भी छानने के लिए जुगाड़ बना सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमारा जीवामृत का है तो जीवामृत में इस चीज़ को उपयोग कर रहे हैं, तो इसका ही हम इसके साथ भी छानने के लिए उपयोग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमें लास्ट में 50 दिन के बाद पूरा छान लेना है। अभी आगे समझते हैं कि कौन सी फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं, कितने प्रमाण से उपयोग कर सकते हैं, और ये तैयार किया हुआ 10 पर्णी अर्क है वो कितने टाइम तक रहेगा, और सावधानियां क्या रखनी है 10 पर्णी अर्क जब हम बनाते हैं उस वक्त। दोस्तों हमारे पास 10 पर्णी अर्क तैयार हो चुका है,
तो ये अर्क हम कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं? तो सभी प्रकार की सीजनल फसल में आप उसका छिड़काव करके उपयोग कर सकते हो। सभी फल वाली बागवानी फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हो। सभी फूलों की खेती में उपयोग कर सकते हो। औषधीय फसलें आप लगा रहे हैं तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। नर्सरी है आपके पास तो नर्सरी में भी इसका छिड़काव करके उपयोग कर सकते हो। सभी प्रकार की फसलों में जहाँ रस चूसे कीड़े और इलियाँ लगती है उसको कंट्रोल करने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हो। आप वेजिटेबल फार्मिंग कर रहे हो तो उसमें भी इसका उपयोग कर सकते हो आप। और उपयोग करने के लिए आप 1 लीटर पानी में इसको 50 ml के हिसाब से मिक्स करिए। अगर आप 15 लीटर पानी का पंप स्प्रे करने के लिए उठा रहे हो और तो उसके अंदर 750 ml का इसका आप उपयोग करिए। और 200 लीटर बैरल का आप पूरा घोल तैयार कर रहे हो तो उसके अंदर आप 8 से 10 लीटर का घोल तैयार करके ऊपर से आप स्प्रे कर सकते हो। ये इसका प्रमाण है दोस्तों। आपने 10 पर्णी अर्क तैयार कर दिया तो ये 10 पर्णी अर्क एक बार बनाने से 6 महीने तक आप इसका उपयोग कर सकते हो। मतलब इसकी भंडारण क्षमता है 6 महीना। और जब आप 10 पर्णी अर्क बना रहे हैं तो जो हमने इस वीडियो में उसकी विधि बताई उस विधि से ही आपको तैयार करना है। आपकी फसल में रस चूसक कीड़े और इलिया लग रही है उसको रोकने के लिए आप एडवांस में इसका स्प्रे करोगे तो आपको फसल में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो आपके पास मोनोक्रॉपिंग नहीं होना चाहिए, आपके पास मिक्स फार्मिंग होना चाहिए। सिंगल फसल नहीं लेकिन मल्टी फसल में आपके पास फार्मिंग होना चाहिए तो आपको इसका सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मिलेंगे ऐसे ही नॉलेज भरे नए वीडियो में एक बार फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।